बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। बीमा क्षेत्र के नियामक संस्था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्तावित निर्णय के खिलाफ सर्वेयर सड़क पर उतर आए हैं। निष्पक्ष व स्वतंत्र सर्वेक्षक की भूमिका को समाप्त करने की मंशा से किए जा रहे इस निर्णय के खिलाफ सर्वेक्षकों ने जंतर मंतर पर अर्धनग्न अवस्था में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नियामक संस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे नॉर्थ जोन के चेयरमैन निर्मल त्रिपाठी ने बताया कि एडा के गठन का उद्देश्य बीमा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, बीमा उद्योग की प्रगति में सस्ता बीमा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराना था, लेकिन एडा के इन नई नीतियों से बीमा प्रीमियम का बढ़ना तय है अंततः, जिसकी कीमत उपभोक्ता को ही चुकानी पड़ेगी। नए प्रस्ताव में मोटर इंश्योरेंस में जो सर्वे लिमिट को 50,000 से 75,000 तथा अन्य विभाग में 1,00,000 से 1.5 लाख करने का प्रावधान किया गया है। इससे देश के करोड़ों बीमा धारकों में से 85% उपभोक्ता दावे कंपनी के अप्रशिक्षित कर्मचारियों के रहमो करम पर निर्भर हो जाएंगे। दरअसल बीमा कंपनियां प्रीमियम के रूप में अग्रिम अंशदान लेती हैं, जिससे हानियों का भुगतान ग्राहकों को किया जा सके। इन हानियों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षकों का प्रावधान है। पहले उन्हें उनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर ABC कैटेगरी में अधिकृत किया जाता है, लेकिन नए प्रावधानों में एडा ने इन्हें समाप्त कर दिया है। अब एडा कर्मचारी सर्वेक्षक को ही समान अधिकार देना चाहती है। इसका असर यह होगा कि कर्मचारी सर्वेक्षक कर्मचारी हितों का ज्यादा ध्यान रखेगा बनस्पत उपभोक्ता के। आइए पहले देखते हैं जंतर मंतर पर किए गए प्रदर्शन को। बीमा सर्वेक्षकों का कहना है कि यदि एडा अपने इस रेगुलेशन में सुधार नहीं करती है तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं चैप्टर चेयरमैन यूके आलोक गर्ग व अजय कुमार शर्मा। मेरा नाम आलोक गर्ग है, मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करता हूँ और उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी सर्वेयर एसोसिएशन का मैं चैप्टर चेयरमैन हूँ। अभी जो इंटरव्यू हम इस बात का दे रहे हैं कि एक IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस की, जो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को रेगुलेट करती है, उन्होंने अभी सर्वेक्षकों के लिए सर्वेयरों के लिए एक एक्सपोजर ड्राफ्ट 2019 अभी प्रपोज किया है। पहला ये कि अभी तक सर्वेक्षक जो मोटर विभाग की सर्वे करते थे वो 50,000 रुपये तक के प्राइवेट कंपनियां अपने पास के सर्वेयरों से करा लेती थी, जो कि अनक्वालिफाइड होते थे, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती थी, टेक्निकल नहीं होते थे, और वही सरकारी कंपनियां अपने जो भी सर्वे हैं वो एक क्वालिफाइड लोग जो इंजीनियर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है और जिन्होंने ट्रेनिंग भी की हुई है उस चीज़ की, और मार्केट के अंदर उन्होंने अच्छी तरीके से किसी सीनियर सर्वेयर के साथ काम करके खूब ट्रेनिंग ली है, उनके बनस्पति उनको तजरी दी जा रही है जो लोग अनस्किल्ड हैं। मैं अजय शर्मा मेरठ का सर्वेयरों में एक सामान्य सर्वेयर हूँ। इस एक्सपोजर ड्राफ्ट के होने वाले नुकसानों में मैं भी कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इसका सबसे बड़ा नुकसान एक आम आदमी को होने वाला है, क्योंकि आज तक जो भी होता था मार्केट में, जो भी इंश्योरेंस कंपनी सर्वे कराती थी, करने वाले सभी स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग थे। आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियां जो पहले सिर्फ 50,000 तक अपने एम्प्लॉयज से सर्वे करा रही थी, जो कि एक ड्राइवर जितनी भी कैपेबिलिटी नहीं रखते, जो कि हाई स्कूल या इंटर पास हैं, उनका काम सिर्फ गाड़ी को देखना, फ़ोटो खींचना, डॉक्यूमेंट लाके ऑफिस में दे देना और जो उनकी मर्जी है वो रिपोर्ट बना देना। तो प्राइवेट कंपनियों के सामने एक
ऐसा माहौल है जहाँ एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण बीमा धारक अपनी कोई बात कहने की स्थिति नहीं रखता, ना उनके ऑफिस हैं, ना उनका नेटवर्क है, सब कुछ टोल फ्री नंबरों से होता है, आप किसी से अपनी बात कह नहीं सकते। तो हमारा पुरजोर विरोध इसीलिए है कि जो सिस्टम पुराना है, जिसमें सर्वेयर एक हिस्सा है हानि निर्धारण के लिए, उसका प्रयोग 100% होना चाहिए। ये 50,000 तक का नियम भी हटाया जाना चाहिए, जिससे कि एक आम उपभोक्ता को उसका जायज हक मिल सके। बनी रहेगी हमारी इस मुद्दे पर भी नजर, देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।